मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए और वहीं पे गेंदबाजी का हवाला लिए दिलीप मांगेला। पहली बॉल स्वीप शॉट के साथ खेला है, कितने रन आ पाते हैं देखना पड़ेगा। यहाँ पे फिलहाल 2 रन के साथ राजेश ने अपना खाता खोला है और टीम का भी खाता खुलता हुआ। अच्छा शॉट यहां पे, लेकिन डीप में फील्डर वहां पे तैनात है, 2 के लिए दौड़े हैं और ये 2 भी पूरे हो जाएंगे। तो 2 के साथ 4 पे पहुंचे हैं राजेश और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। दिलीप मांगेला यहां इस बार रिवर्स भी पाने का प्रयास किया था, हल्की सी अपील जरूर आई लेग बाई के रूप में, यहां पे 1 रन आता हुआ। अंपायर आसिफ प्रानिया का इशारा आता हुआ लेग बाई के रूप में और एक्स्ट्रा का खाता खुला। यहां पे बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। पता है खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो चलो ये आखिरी मुकाबला है और आखिरी मुकाबला में कुछ ऐसा दमखम बता दो कि माहियावंशी का नाम यहाँ पे आगे बढ़े, कि ये आए थे और अपनी जो है हाजिरी लगा के गए। बस हाजिरी नहीं लगाई, काम भी अच्छा कर करके गए, ये बताने का यहाँ पे ये मौका इससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन इस बार बल्लेबाज चूके, बल्ले पे नहीं ले पाए गेंद को सोहिल माहियावंशी बल्ले पे नहीं ले पाए और उसके बदौलत कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दिलीप मांगेला और यहां पे सीधा फुल टॉस बना के लॉन्ग ऑन बाउंड्री की और गेंद को निकालने का प्रयास किया, यहां पे अच्छा प्रयास। लास्ट से जर्सी नंबर 7 नरेश जिन्होंने रोकने का प्रयास किया पांव से भी, लेकिन पर्याप्त नहीं था। गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए, 4 के साथ 13 रन, अच्छी शुरुआत। तो एक ओवर यहाँ पे दिलीप भाई जिन्होंने 12 रन खर्च किए, 1 एक्स्ट्रा के रूप में गया, यानी कि 13 रन बने थे पिछली ओवर में, तो 13 रन विदाउट लॉस, बहुत ही सुंदर शुरुआत। यहाँ पे 3 गेंदों में सोहिल ने बनाए 2 चौके की सहायता से 8 रन और 4 रन 3 गेंदों में बनाए राजेश ने। अभी मांगेला आए हैं, अभिषेक मांगेला प्यार से शॉर्ट में अभी कहते हैं उसको। और ये सुंदर यहां पे सुंदर दिशा देने का प्रयास, सफल हुए जरूर है, 2 मिलेंगे यहां पे और 2 के लिए निकले हैं और ये 2 भी पूरे होते हुए, 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। 15 रन टीम का स्कोर है। फिर से इस बार देखो, ये देखो यहां पे 1 मिलेगा क्योंकि प्लेसमेंट यहां पे नहीं था, सही प्लेसमेंट नहीं था, सीधे फील्डर के आसपास खेला था, जिसके बदौलत 1 ही मिलेगा। 16 रन है टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ। अभिषेक मांगेला
और ये सुंदर शॉट है, सुंदर शॉट है, मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ के बीच में से मारने का प्रयास। वहां पे देखो सुंदर, वहां पे सुंदर फील्डिंग, जंप लगा करके एंड मोमेंट पर यहां पे रोका है गेंद को बाउंड्री के बाहर जाते हुए। 18 टीम का स्कोर है, 4 में 10 पे पहुंचे हैं सोहिल। फिर से इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठा के मारने का प्रयास किया था, गेंद हवा में चढ़ी गई अने स्वयं गेंदबाजे आ कैच करी लीधो, बॉलरे स्वयं कैच करी लीधो। आ साथे पहली विकेट पड़े छे, 10 पे हो गया है बस बल्लेबाज का। सोहिल लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास किया था, थोड़ा सा बल्ला जो है ऊपरी हिस्से में बॉल आ गई, जिसके कारण यहाँ पे विकेट नंबर 1 18 पे 1। तो अच्छी शुरुआत को यहां पे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए बल्लेबाज सोहिल, और इसी के साथ नए बल्लेबाज का पदार्पण यहां पे होता हुआ। नए बल्लेबाज ध्रुव आए हैं। ध्रुव की बात बताऊं तो कल कड़क कड़क छक्के मारे थे, बहुत ही जोरदार छक्के मारे थे, 4 छक्के मारे थे ध्रुव ने, और इसी के साथ 1 रन के साथ खाता खोला है ध्रुव ने। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पे, काबिले तारीफ शॉट, जिस पे मोहर लिखी थी 4 की। साथ ओवर को किया है संपन्न 23 पे 1 टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। माहिया वंशी इलेवन यहां पे 23 पे 1 है। गेंदबाजी में देखना है कि किसको लगाते हैं। दिलीप मांगेला ही अपनी जो है पहली ओवर जो करी थी बहुत ही अच्छी ओवर करी थी, हमेशा ये अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अब देखना है कि अपने कोटे की दूसरी पारी की तीसरी ओवर लेकर के आए हैं कितने रन बना पाते हैं, ये आने वाला पल बताएगा। फिलहाल लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग करने के लिए टीम के कप्तान जर्सी नंबर 13 प्रशांत आए हैं और फील्डिंग यहां से सजाते हुए। और ये पहली बॉल यहां पे वाइड इस लॉन्ग ऑन की ओर गेंद आती, अगर ये बैट और बॉल का संगम होता, लेकिन यहां पे 1 रन आया, बल्ले के निचले हिस्से में गेंद जाकर के टकराई और इसी के साथ 1 रन के साथ 24 टीम का स्कोर। रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास यहाँ पे, और रिवर्स स्वीप यहाँ पे देखो तेजी से सिंगल के लिए निकले हैं, तेजी से निकले थे सिंगल के लिए और सिंगल भी यहाँ पे पूरा होता हुआ 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बॉलिंग और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2।
अच्छा अच्छा यहाँ पे अच्छा खेला है, दिशा दी है और इस बीच यहाँ पे दूसरा लेने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज ने, लेकिन यहाँ पे रोका कि नहीं आ सकता है। और इसी के साथ सफल ओवर की समाप्ति, तीन ओवर समाप्त हो चुके, तीन ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 9 की औसत से 2 विकेट के नुकसान पर। तो तीन ओवर की समाप्ति 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन। और हमारे इस फैंसी कप में कई सारे महानुभव आ रहे हैं और सारे महानुभव का मैं यहां से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। हार्दिक स्वागत 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 फैंसी कप। हमारे बीच में अनिल भाई पटेल पधारे हैं, अनिल भाई पटेल का तहे दिल से हार्दिक स्वागत फैंसी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में। और इस बीच सीजन 4 में मैं बता दूं, अभी मांगेला 11 और महेंद्रसिंह 11 के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। और इसी के साथ रिवर्सिप मारने का प्रयास, फील्डर वहां पे गेंद के नीचे आते हुए और एक और यहां पे विकेट गिरता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा और पड़ाव पर है, हमारे सेवा दल तैयार रहेंगे। अच्छा बॉल यहां पे, अच्छा बॉल था लेकिन यहां पर देखो एक रन हासिल हो जाएगा, एक रन के साथ रनों की बढ़ोतरी 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। भाई रसुलिया और विजय दमनिया की जोड़ी मैदान के ऊपर। इस बीच और यहां पे बड़ा शॉट मारा जरूर है जो कि डीप कवर में चली गई गेंद। और यहां पे ओवर थ्रो और देखो मिलता था रन लेकिन नहीं मिलेगा यहां पे, क्योंकि बैकअप में फील्डर वहां पे तैनात है जिसके बदौलत एक ही मिलेगा, एक से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। 30-30 टीम का स्कोर। सुंदर सुंदर यहां पे अंतिम क्षणों में लेट कट जिसे कहते हैं। सेवा दल हमारे तैयार रहे, तैयार ही है। चौथा और पड़ाव पर है, रिवर स्वीप में चूके जरूर है और एक रन यहां पे आएगा बाई के रूप में। तो चार ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर माहियावंशी 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए मांगेला 11 के सामने 32 रन 8 की औसत से 32।
दिन जिसका इंतजार पिछले 10 दिन से दर्शक और फैंसी फैमिली और फैंसी फ्रेंड कर रहे। कल 11वां दिन रहेगा और वहाँ बड़े मुकाबले खेले जाएंगे 4 टीमों के बीच में। लेकिन आज का ये मुकाबला भी पॉइंट टेबल के हिसाब से बहुत मायने रखता है, क्योंकि जहाँ मांगिला 11 नेट रन रेट के साथ उनको बड़े मार्जिन से ये मैच जीतना होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज का जो नेट रन रेट है बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो वहाँ से बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही उनको कम से कम कुछ ज़्यादा अंतर से, जैसे कि अगर मायावंशी समाज की टीम 50 रन बनाती है तो नेट रन रेट में अगर वो 50 रन अगर मांगेला 11 1.5 यानी 1 ओवर 5 गेंद के बाद पूरा करती है बिना किसी नुकसान के, तो शायद छू लेगी वो नेट रन रेट। लेकिन मायावंशी समाज यहाँ से 75 रन बनाती है तो नेट रन रेट उनको 2.5 के आसपास छूना होगा। तो ये सब बातें, और वहीं मायावंशी समाज भी जीत की कोशिश करेगी क्योंकि इनको भी 8वें नंबर पर नहीं रहना है, ये भी 8वें नंबर से 1-2 पायदान ऊपर रहना चाहेगी ताकि क्वालिफाइंग राउंड खेलना हो तो उनके लिए आसान हो जाए। और जो पॉइंट टेबल में 1 नंबर पर रहेगा उनको रियाज शेख इनायत के ऑनर की ओर से 2500 का नकद इनाम दिया जाएगा। ओ यहाँ पे मौका था, कोई फैंसी वॉच विनर यहाँ पे दर्शक नहीं दिख रहा था, यहाँ पे मौका था हमारे कैमरामैन को, लेकिन चूंकि ये दूसरी बार चूके है, ये शॉर्ट पिच बॉल लंबे हाथों से फिर से मारा है ये का, ओ माय गुडनेस, तो ये देखो बहुत ही अच्छा टाइमिंग किया था गुजराती में कहवाई ने मापी ने हैट्रिक सिक्सर माटे। वाइड बॉल 1 रन नो वधारो थाई छे 45 रन 3 विकेट ना नुकसान पर। ये मारा है लेकिन मापी ने मारता होता अत्यारे माप थोड़ूक ओछू पड़ी गयू, और इसे के साथ तीसरा छक्का मयूर रसिलिया मारने का प्रयास में यहाँ पे चूके, लेकिन जाते जाते वो अपना काम कर गए। 5 गेंदों में 14 2 छक्के की सहायता से मारे। और कप्तान प्रशांत की मैं बात करूं कि अब तक उन्होंने जब जब अपनी पहली ओवर डाली है और विकेट पाया है, टीम के कप्तान जो है प्रशांत, जिन्होंने जब भी गेंदबाजी करी है विकेट पाई है और जब बल्लेबाजी करने आए हैं तो चौके छक्के से ही खाता खोला है, तो ये खासियत कुछ अलग है, पहचान कुछ अलग बनाई है प्रशांत मांगेला ने। तो ये 45-4 है टीम का स्कोर, 2 छक्के जरूर यहां पे हासिल हुए। और नए बल्लेबाज ने आते ही यहां पे बॉलर के विपरीत दिशा में खेला था, 1 रन के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया 46 रन 46 रन। और अब स्ट्राइक पर आए हैं टीम के कप्तान विजय।
अच्छी बॉल, अच्छी बॉल। अचंभित रह गए बल्लेबाज की मेरे लिए कौन सी गेंद आ गई यहाँ पे। विजय हमेशा ही हंसते हंसते खेलते रहते हैं सभी के साथ, इको फ्रेंडली जिसे कहते हैं। कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील और यहाँ पे देखो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, देखो विजय की, देखो यहाँ पे देखा कि ये कैच हो गया है, निकल पड़े, अंपायर का इशारे का भी इंतजार नहीं किया। तो ये होता है खेल दिली। जरा मैच रोक जो अंपायर, इसमें भावेश आए।
46 रन और 5 विकेट, और इसी के साथ यहां पे खेल फिर से शुरू होता हुआ। और ये अच्छा यहाँ पे अच्छा प्रयास यहाँ पे किया है, दो रन मिल जाएंगे। दो के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49-5। सुंदर यहां पे खेला है, सुंदर एक रन के खेला है और इसी के साथ 50 50 अप। माहियावंशी 11 ने 50 रन बना ली है 5 विकेट के नुकसान पर। तो ये जो गलती करी उसका नतीजा ये होगा कि अगले साल जो मायावंशी समाज का पहला मैच खेला जाएगा उसमें कैप्टन या वाइस कैप्टन कोई एक एक मैच के लिए बैंड रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखें। तो इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जहां पहुंचता हुआ 51 रन 5 विकेट के नुकसान पर। छह ओवर 51-5। और अच्छा शॉट है यहां पे, लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला था, एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पे आगे निकलते हुए और ये एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन। 7वें ओवर की पहली बॉल पे एक रन यहां पे लगता हुआ और अगली बॉल यहां पे थर्ड मैन से निकालने का सुंदर प्रयास किया है, सुंदर प्रयास। अच्छी बॉलिंग लेकिन धीमे से यहां पे खेल लिया है एक रन के लिए बल्लेबाज ने, लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास किया था डाउन द ग्राउंड। और ये यहां पे देखो, यहां पे मौका है कमेंट्री बॉक्स में, ये बॉल आती हुई 6 रनों के साथ। ये बढ़ता हुआ
इस बार यहाँ पे एक ही मिलेगा 61 रन। एक रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने यहां पे दौड़ लगाई। न्यावर की पहली बॉल यहां पे व्हाइट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई 63 रन 5 विकेट के नुकसान पर महेवंशी 11। एक एक के साथ टीम का स्कोर अभी आगे बढ़ता हुआ आठवें ओवर में अभिषेक मांगेला अगली बॉल यहां पे करते और बल्लेबाज यहां पे आउट, विकेट कीपर के हाथों यहां पे कैच करा लिया, तो यह छठा विकेट यहां पे गिरता हुआ। चौसठ पे 6 भावी नए हैं। और ये पहली बॉल के साथ कड़क मारने का प्रयास किया था, एक मिलेगा यहां पे, एक मिलेगा दूसरे रन के लिए निकले हैं, देखना है दूसरा पूरा होता है या नहीं। दूसरा भी बड़ी तेजी के साथ यहां पे पूरा करने का प्रयास किया लेकिन पर्याप्त नहीं था यहां पे, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पे रन आउट के रूप में आता हुआ। नए बल्लेबाज प्रियांक माहियावंशी आए हैं 65 पे 7 7.3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 गेंदें आनी शेष है। और ये देखो रिवर्सिप, अच्छी शुरुआत यहां पे, देखो फील्डर ने भी अच्छा प्रयास किया था, बहुत जबरदस्त प्रयास एमना द्वारा। सड़सठ ओवर से 4 गेंदे हो चुकी है, 2 गेंदे बाकी है, देखना है कि 2 छक्के मार पाते हैं या नहीं। प्रियांक नए बल्लेबाज है, लेकिन चूके यहां पे चूके बल्लेबाज। वाइस कैप्टन अगले साल जो है उसके ऊपर बैंड लगेगा, और इस बीच यहां पे आउट।
का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति के बाद ये बने हैं। दरियादिल और बारी इलेवन के कप्तान से विनती की टॉस की कार्यवाही के लिए आ जाए। बारी इलेवन के कप्तान और दरियादिल के कप्तान प्लीज यहां आ जाए टॉस की कार्यवाही के लिए। तो यहाँ मैच शुरू होता हुआ दोनों ही पारी में बल्लेबाज आ चुके हैं। वहीं गेंदबाजी के लिए सुलेख दमनिया और बिल्कुल मयूर पटेल आ चुके हैं यहाँ टॉस की कार्यवाही के लिए। बारी समाज के कप्तान से विनती करूंगा कि अल्पेश भाई प्लीज आ जावे टॉस की कार्यवाही के लिए। गेंदबाजी लेकर आए हैं यहाँ बिल्कुल सुलेख दमनिया, वहीं अमृत और गौरव की प्रारंभिक जोड़ी बिल्कुल जय वीरी के रूप में आती हमेशा। और उसके बाद पीछे आने वाले प्रशांत मांगेला और अभिषेक मांगेला क्या ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ से पहले तो जीत जरूरी है, उसके बाद आप फोकस कर सकते आगे नए इंटरनेट पे। यहाँ बेनिफिट रहेगा, देखो एक खिलाड़ी कम लेकर उतरी है टीम मायावंशी इलेवन और उनके कप्तान को अगले साल की पहली मैच के लिए बैन किया गया है। गौरव और अमृत की जोड़ी यहाँ पे पहले ओवर की पहली बॉल लेकर के सुलेख आए हैं, पहली बॉल को घुमा दिया है वाइड स्लॉग डिजन में एक रन के साथ दौड़ पड़े बैट्समैन, दूसरा रन भी यहां पे आसानी के साथ पूरा करते हुए। तो दो रनों के साथ यहां पे गौरव ने अपना खाता खोला है और टीम का भी यहां पे खाता खुलता हुआ। देखो इस तरह की अगर गलती होगी तो कप्तान और वाइस कप्तान दो में से किसी एक को अगले मैच के लिए बैन किया जाएगा। अभी आपका मैच बचा नहीं है तो अगले साल पहला मैच में आपको बैन जारी रहेगा। और ये अगली बॉल यहां पे वन बाउंड सीमा रेखा के पार यहां पे लॉन्गन बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए।
हल्के से हल्के हाथों खेला था एक रन के लिए पिछली बॉल को, और जिस पर कि एक रन यहां पे हासिल होता हुआ। और सुलेखा अच्छी गेंदबाजी करते हुए, देखो पावर प्ले के बाहर एक ही खिलाड़ी खड़ा है, फिर भी अच्छी गेंदबाजी। हाँ ये देखो, हाँ ये देखो, अच्छा कैच यहां पे, अच्छा कैच, और ये पहला विकेट। और टॉस की कार्यवाही बिल्कुल, यहां मयूर पटेल आ चुके हैं और वहीं बिल्कुल टीम के कप्तान आ चुके हैं बारी लेवन के, तो प्लीज टॉस की कार्यवाही की जावे धर्मेश भाई। और मैं बता दूं, अगर यहां से मायावन से समाज अगर जीतती है तो दरिया दिल बहुत खुश होगी। भरत भाई टॉस की कार्यवाही करते हुए, तो यहां मयूर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का दावा किया है, तो क्या करेगी टीम? फर्स्ट बैटिंग करके स्कोर बड़ा करने का प्रयास करेंगे, और टूर्नामेंट का आखिरी मैच है तो अच्छे से फिनिश करने का प्रयास करेंगे। ओके थैंक यू, धन्यवाद। आप क्या सोचेंगे, क्या करेंगे अभी? हम हमारी टीम पूरे 100% देने की कोशिश करेंगे। ओके थैंक यू, धन्यवाद। दरियादिल 11 वन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। और ये सुंदर घुमा के मारा है, बहुत ही अच्छा घुमा के मारा है, गेंद को निकाल दी हसी मारेखा के पार, जैसे ही संगम हुआ बैट और बॉल का। और ये अच्छा शॉट, अच्छा शॉट, वन बाउंसी मारेखा के पार चार रनों के लिए। डीप के फील्डर ने वहां पे बहुत ही प्रयास किया गेंद को रोकने का, लेकिन उनके प्रयास के बाहर गेंद सीमारेखा के पार चार रनों के लिए। तो पहले ओवर की समाप्ति 15 रन, एक ओवर की समाप्ति के बाद विदाउट लॉस 15 रन बना लिए हैं। अच्छी बॉल और इसी के साथ ही आउट विकेट। पंद्रह रन बना लिए थे, लेकिन दूसरी ओवर से यहां पे दो झटके लगते हुए।
व्हाइट बॉल के साथ एक रन की बढ़ोतरी यहां पे आती हुई, एक रन की बढ़ोतरी, 16 रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। नरेश मांगेला जिनको कि पहले रन की तलाश है, और नॉन साइकर पर करण जिन्होंने दो चौके मारे। इस बार अभी नरेश ने उठा के खेला है, फील्डर गेंद के नीचे है, और इसी के साथ एक और विकेट गिरता हुआ, ये तीसरा विकेट। और ये 27वें गेंदबाज होंगे जो हैट्रिक के लिए गेंदबाजी करने वाले हैं। आने वाला पल बताएगा, देखना है कि ये हैट्रिक हो पाती है या नहीं। स्कूल एंड से दो हैट्रिक आई है, देखना है कि ये तीसरी हैट्रिक वहां से होती है या नहीं। जीतू पटेल वहां पे पिछले मैच में मैन ऑफ द हैट्रिक के लिए वहां पे से गेंदबाजी कर रहे थे, अभी यहां से सामने की ओर से हैट्रिक के लिए गेंदबाजी कर रहे। मयूर रसिलिया लेकिन यहां पे देखो ये भी हैट्रिक चुके। सोलह पे तीन, विकेट का झोला जो है तीन से भरा है। अब देखना है, दस से भरना है। ये अच्छा कड़क शॉट यहां पे, आसपास कोई फील्डर नहीं है क्योंकि पावर प्ले यहां पे चलता हुआ। 20 टीम का स्कोर, 20। सुंदर गेंद कलाई के जरिए यहां पे गेंद को मोड़ दिया है। एक रन के साथ दौड़ पड़े बैट्समैन और एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तीन विकेट के नुकसान पर 21 रन। इस बार दिशा थोड़ी सी बाहर रही ऑप्शन से बहुत ज्यादा, अंपायर का इशारा आता हुआ। वाइट के साथ एक रनों की बढ़ोतरी यहां पे, एक की बढ़ोतरी, टीम का स्कोर इसी एक रन के साथ वाइट बॉल के साथ आगे बढ़ता हुआ 22 रन। धीमे हल्के हाथों खेला था कवर में, एक रन के साथ दौड़ पड़े दोनों बैट्समैन और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। दो ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। दो
यहाँ पे थी जरूर। लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं रुका हुआ। सुंदर सुंदर आकर्षक स्ट्रोक, आकर्षक स्ट्रोक है वहां पे, लेकिन सीधे राज के पास वहां पे गेंद जाती हुई। सुंदर सुंदर यहाँ पे हल्के हाथों यहाँ पे एक रनों के लिए खेल दिया है, एक के साथ यहाँ पे टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये बहुत ही बड़ा आकर्षक स्ट्रोक है, दर्शक में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए यहां पे 31-3 यहां पे टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। करण मांगेला यहां पे कैमरा में कप्तान विजय, जो कि विश्वजीत ठाकुर की तरह यहां पे अपना खेल जो है बताते हैं, और ऑलराउंडर भूमिका है, अच्छे बैटिंग अच्छी बॉलिंग, देखो दर्शकों के साथ भी जुड़े रहते हैं, वो अटैचमेंट सभी के साथ रखते हैं, बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलते हैं, हंसते रहते हैं। जर्सी नंबर 85, पीछे मुड़ेंगे तो उनका चेहरा भी यहां पे देखने को मिलेगा, फिलहाल कैमरा उनके ऊपर है। अरे अच्छा बॉल अच्छा शॉट है, एक्शन में नजर आते हुए विजय फिर से एक बार, क्या विजय पीछे मुड़ के देखेंगे, उनका चेहरा आएगा यहां पे कैमरा के सामने, लेकिन फिलहाल उनकी चिंता है सामने मैदान के ऊपर है, 10 खिलाड़ी के साथ खेल रहे, रन बचाने हैं, मैच भी बताना है और इसी बचाना है, और इसी के साथ एक रन के लिए दोनों बल्लेबाज ने अपने छोर बदली किए और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 11 की औसत से 3 ओवर की 3 ओवर 33 रन 11 की औसत से रन बनाते हुए भंडारी 11। अब जीत के लिए देखना है कि कितने रनों की आवश्यकता होगी। मांगेला 11, टीम का स्कोर है 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 30 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता है। करंट रन रेट यहां पे उनकी चलती हुई 11, और रिक्वायर्ड रन रेट 7 के आसपास की रन रेट के साथ उनको रन बनाने हैं जीत के लिए। देखना है कि आने वाला पल बताएगा कि विजय कौन से खिलाड़ी को कहां लगाते हैं, कौन से बॉलर को इस्तेमाल करते हैं, और कब इस्तेमाल करते हैं, और कब विकेट हासिल करते हैं, ये आने वाला पल बताएगा। फिलहाल तो यहाँ पे मांगेला 11 जो है जीत के दरवाजे यहां पे खोल चुकी है। क्या होगा, फिलहाल जीत को ला लिया है, जीत के दरवाजे खोले, जीत को गेंदबाज को यहां पे लेकर के आए हैं, और वहां पे अभिषेक मांगेला जिन्होंने 5 गेंदों में 7 बनाए हैं, और अच्छी बॉल के साथ यहां पे अच्छा एक रन यहां पे को बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पे, ये जीतेगी तो वो आएंगे, वो जीतेगी तो वो आएंगे, लेकिन फिलहाल मुस्लिम 11 जो है यहाँ पे बिंदास है, क्योंकि उनके दरवाजे कल ही उन्होंने खोल दिए थे, टॉप पे है वो टीम। सुंदर तरीके से यहां पे खेला था एक रन के लिए, सुंदर फील्डिंग सुंदर थ्रो, लेकिन उस बीच यहां पे एक रन के लिए बल्लेबाज को नहीं रोक पाएंगे, और
जिसके बदौलत टीम का स्कोर जहां पहुंचता हुआ 35 पर 3, 35 पे 2 है टीम का स्कोर। अभिषेक अब तक एक चौका लगा चुके, घुमा करके मारा है, इस बार घुमा करके मारा है लेकिन सीधे फील्डर के पास, एक ही रन मिलेगा। एक के साथ 36 टीम का स्कोर है। ये यहाँ पे कुछ रन मिलने वाला है, यहाँ पे रन मिलने वाले हैं। फील्डर पीछा कर रहे हैं लेकिन सिर्फ पीछा ही कर रहे हैं, रोकने का यहाँ पे मौका नहीं। से 4 बॉल हो चुकी है, और इस बार कहवाई छे के ने गरीबी अने आटो गीलो, गरीबी में आटा गीला, पानी ज्यादा गिर गया, अगला लोट है नहीं, आटा है नहीं, क्या करे। बिल्कुल यहां पे वाइड के साथ गेंद करी है, 41 टीम का स्कोर है। ये देखो बल्ले से गेंद टकराने के बाद पहली स्लिप के स्थान से ये गई, थर्ड मैन वहां पे तैनात थे। 4 ओवर समाप्त हो चुके, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42 3 विकेट के नुकसान पर, ये पहली 4 में बनाए हैं 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं आने वाली 4 ओवर यानी कि 24 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता है, जहां पे करण मांगेला बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, 3 चौके 1 छक्के की सहायता से 11 गेंदों में 23 रन बनाए हैं, और वहीं अभिषेक जिन्होंने 7 गेंदों में 9 रन बनाए हैं। चौबीस में 26 जीत के लिए। और पहले 24 में 42 रन बनाए हैं, पहले 24 यानी कि 4 ओवर में 42 रन बनाए, 3 विकेट खोए हैं, और आने वाले 4 ओवर में यानी कि 24 गेंदों में 7 विकेट जबकि हाथों में है, सिर्फ 26 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए मांगेला 11 को।
वाइट बॉल के साथ शुरुआत यहां पे नए ओवर की। सुंदर यहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, जहां पे एक रन हासिल कर लिया। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। मयूर रसूलिया इस ओवर की अगली बॉल यहां पे, अगली बॉल यहां पे डीप कवर बाउंड्री की ओर गेंद जा रही है। फील्डर वहां पे तेजी से फील्ड करते हुए, जब तक कि फील्ड होकर के बॉल आती तब तक यहां पे छियालीस रन टीम का स्कोर। इस बार काफी धीरे से यहां पे टहलते हुए एक रन ले रहे थे फील्डर के सामने से, बिल्कुल बिंदास यहां पे बंदाए बिंदास है, सिंगल रन ले रहे थे बड़े आसानी के साथ। पांचवा ओवर पड़ाव पर है, तो ये देखो यहां पे अंपायर की बाज नजर ने देखा कि यहां पे बिल्कुल बहुत ही अच्छी यहां पे अंपायरिंग यहां पे। ये सुंदर शॉट है, दर्शक गण में यहां पे आता हुआ, और इसी के साथ 6 के साथ 50। बहुत ही अच्छा बॉल यहाँ पे, अच्छा शॉट और अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। ओवर। तो मैं बताना चाहूंगा फैंसी कब सीजन 4 में फेयर प्ले की जहां तक बात करूं तो धोनी लेवन कल तक नंबर 1 पर था, लेकिन कल के मुकाबले के बाद पहले नंबर पर पहुंच चुकी है मराठी इलेवन, दूसरे नंबर पर धोनी इलेवन, तीसरे नंबर पर धलम इलेवन, चौथे नंबर पर मुस्लिम इलेवन, पांचवे नंबर पर तंडेल इलेवन, छठे नंबर पर बारी इलेवन, सातवें नंबर पर उत्तर भारतीय इलेवन, आठवें नंबर पर कामली इलेवन, नौवें नंबर पर सोलंकी इलेवन, दसवें नंबर पर मायावंशी इलेवन, ग्यारहवें नंबर पर भंडारी इलेवन, बारहवें नंबर पर दरियादिल डाबेल, तेरहवें नंबर पर हरदवती इलेवन, चौदहवें नंबर पर मांगेला इलेवन, और पंद्रहवें नंबर पर फैंसी इलेवन, और सोलहवें नंबर पर हिंगराज माता 95। 18 गेंदों में 15 रन चाहिए जीत के लिए, 18 बॉल में 15 रन जीत माटे चाहिए। ओके कंटिन्यू। और मैं बता दूं कि बिल्कुल टॉप पे जो टीम रहेगी वो क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए, आगे खेलेगी, और जो नीचे रहेगी 8वें नंबर पर दोनों ग्रुप में से वो क्वालिफाई राउंड खेलने जाएगी अगले साल के लिए, और जो दो टीम टॉप पे रहेगी वो आगे फाइनल के लिए निकलेगी, और जो टीम मिस बिहेव और फेयर प्ले में न रहेगी 16वें नंबर पे रहेगी उसको भी क्वालिफाई राउंड के लिए खेलना पड़ेगा, और जो टीम टॉप पर रहेगी उसको रियाज शेख इनायत के ऑनर से 2500 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। तो हल्की सी अपील यहां पे हुई लेग बाई के रूप में, एक रन आता हुआ टीम का स्कोर 54, 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर में। 15 गेंदों में 30 रन बनाकर खेलते हुए बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करण मांगेला। और ये अच्छा शॉट है अने ये बॉल फील्डर ने कूदी जाए छे अने 4 रन मिले छे।
एक और शानदार यहां पे हीट जिसके ऊपर 6 रनों की। चार ही मिलेगा तो कुछ माइनस करने पड़ेंगे। यहां से ऐसा लगा कि 6 है लेकिन 62 टीम का स्कोर है। और ये अच्छा शॉट है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास किया था। 2 बाउंस लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास, गेंद चली गई और इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी 1 रन के जरिए 63 रन 6ठे ओवर में 5.5 ओवर के बाद। जीत के लिए बहुत कम रनों की आवश्यकता, क्या ये 6 मार के जिताते हैं या नहीं, 5 चाहिए जीत के लिए। और ये बड़े धीरे से पुश कर दिया था 1 रन के लिए। छह ओवर की समाप्ति 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ यहाँ पे विकेट आती हुई, खुशी विजयी के मुंह पे खुशी यहाँ पे। और इस बीच 64 पे 4 है, देखना है कि टीम के कप्तान प्रशांत है, वो हमेशा 6-4 से ही शुरुआत करते हैं और जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता। क्या ये पहली बॉल पे जिताते हैं, जनरली ये पहली बॉल के साथ 6 और 4 मारते हैं और 4 जीत के लिए चाहिए। सोहिल देखना है कि इस बार ये कब तक रोकते हैं उनको। और ये पहली बॉल, देखो मैंने फिर से कहा था कि हमेशा 6 और 4 से शुरुआत करती है पहली बॉल, जैसे कि कहीं करियुद नहीं अने छग्गो आवी गयो, बिल्कुल उसी प्रकार से 6 के साथ ये मैच जीताया है कप्तान प्रशांत ने। भाई पॉइंट टेबल के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि अब क्लियर हो चुका है पॉइंट टेबल।